होती है ये बुलिंग स्कूल में, ऑफिस में एंड इवन देन घर में भी। बुलिंग करने वाले कई बार खास ग्रुप में होते हैं या कई बार पर्टिकुलर पर्सन भी होता है। बुलिंग में किसी एक व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप द्वारा परेशान करा जा रहा होता है, टीज करा जा रहा होता है या चिढ़ाया जा रहा होता है। कई बार तो ये ग्रुप होते हैं और कई बार एक पर्टिकुलर पर्सन भी होता है जो दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को परेशान कर रहा होता है, चिढ़ा रहा होता है और उसकी जो लाइफ होती है उसको हेल कर रहा होता है, हर लिहाज से उसे कमजोर साबित करा जा रहा होता है। जो बुलिंग होती है ये ना केवल हमारे देश में होती है बल्कि पूरे विश्व में होती है। सो आइए आज जानते हैं कि बुलिंग से हम किस तरीके से इजीली फाइट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि यहां पर आपको बहुत ध्यान से गहन चिंतन करना है कि जो बुलिंग करने वाले पर्टिकुलर ग्रुप के ये लोग हैं या पर्टिकुलर पर्सन है, भाई ये हैं कौन और ये हमारे लाइफ में क्या मायने रखते हैं, क्या ये हमारी लाइफ में हमेशा चलने वाले हैं, अगर हाँ तो हमें कैसे डील करना है, और अगर ये थोड़े दिन के लिए है तो भी हमें इन्हें कैसे डील करना है। और उसी के साथ साथ अपने जहन में एक और सवाल लाना है, क्या मैंने जन्म इन लोगों की चिढ़ाने के लिए किया या मैं इन लोगों का खिलौना मात्र हूँ, मेरा वजूद इतना हल्का है कि ऐसे वाहियात लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। साथ साथ अपने आप को मजबूत करना है इन अल्फाज के साथ कि भाई चाहे जो भी हो, चाहे दुनिया मेरे अगेंस्ट हो, चाहे ये ग्रुप वो ग्रुप, चाहे कोई भी हो, मुझे अपना स्टैंड खुद से लेना, यानी कि मुझे खुद से खुद का फेवर करना है, मुझे खुद से खुद को सपोर्ट करना। और दिल ही दिल पे दो अल्फाज जरूर बोलिएगा, ये सबके सब पागल हैं, बेवकूफ हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हमेशा अपनी धुन में मस्त रहना सीखना होगा, बावजूद इसके कि आपको पता है कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर आपके नेगेटिव है और इस तरीके के लोग हर जगह पे आपके रोड़ा अटका रहे हैं और हर जगह आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इट मींस वो कहीं भी आपको खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। सो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपना पीस ऑफ माइंड रखा जाए। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप मन ही मन में कोई गाना गुनगुना सकते हैं, आप मन ही मन में मुस्कुरा सकते हैं, आप मन ही मन में अच्छे मूवमेंट से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मैं इस तरीके से ज्ञान देती हूं, लेकिन ये सारी चीजें मैंने खुद भी इंप्लीमेंट करी है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मेरी बेटी का जन्म होना था, मेरे ऑफिस में इसी तरीके से बुलिंग करी जाती थी, यानी कि मेरे कलीग्स को ये तरस नहीं आता था कि मेरी 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी और मेरा टाइम कितना क्रूशियल चल रहा है, वो किसी न किसी बात पे मेरा मजाक उड़ाने में, मेरी टांग खींचने में या मेरा काम बिगाड़ने पे बिलीव करते थे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो भी पॉइंट्स बता रही, जो 2 पॉइंट शुरू में बताए और जो पॉइंट अभी बता रही हूं, ये सारी चीजें मैंने खुद से इंप्लीमेंट करी हैं। ना केवल खुद का स्टैंड रखा, खुद को खुश रखा, उनको डिफीट करा एंड द सेम वे एक हेल्दी बच्ची को जन्म दिया। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्ट्रांग पॉइंट आ रहा है कि शो पिटी ऑन देम, कि उनके ऊपर दया खाइए कि नालायक ही पैदा हुए थे और ये नालायक ही मरेंगे, यानी कि इनका जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता है, आपका तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड चल रहा है, आप इनके साथ जीवन नहीं रहने वाले। और फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि मैं किस तरीके के वर्ड्स यूज कर रही हूं, हां, इस तरीके के वर्ड्स यूज करना अपने को स्टैंड करने के लिए कई बार बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर से मैं यही कहूंगी कि हम कोई साधु संत नहीं है। अगर हमें कोई परेशान करता है तो हमें कष्ट होता है और किसी तरीके से हमें अपने आप को संभालना पड़ता है। जितना आप इनको इग्नोर कर सकते हैं उतना इग्नोर करिए। आप कहेंगे कि कई बार उस जगह को छोड़ना पॉसिबल नहीं है या इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि कई बार कोई पर्टिकुलर जगह पे आपके करीब ही बैठा है, लेकिन आप चाहे तो आप उसको इजिली इग्नोर भी कर सकते हैं और इजिली आप उससे डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना किसी को भाव दे रहे हैं, आप कितना किसी को अपने दिल पे जगह दे रहे हैं और आप कितना किसी को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, भले ही वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बी बेशरम, यानी कि ये जो बेशरम वाला फंडा है, इस पे तो मैंने वीडियो भी बनाया जिसको आपने बहुत अप्रिशिएट किया है, बट यहाँ पर जब बुलिंग होती है तो यहाँ पर आपको खासा ध्यान रखना है कि बेशरम होना है। जो लोग ढीठ होते हैं, बेशरम होते हैं, उनको कोई भी बुली नहीं कर पाता है, उनको कभी कोई टीज नहीं कर पाता, उनको कभी कोई परेशान नहीं कर पाता है। मसलन दूसरों को ये लगता है कि ये तो इतना स्ट्रांग है कि चट्टान में सर मारने के बराबर है,
इट मींस वो आपको जितना भी टीस कर लें, आपको बेशरम होकर उनके सामने स्टैंड रखना है। मेरे लिए उस समय ये कमेंट होता था कि कैसी लगती, जवाब में उनको बोलती थी कि मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ, कम से कम तुमसे तो अच्छी ही दिखती हूँ। साथ साथ फ्रेंड्स अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए एक और तकिया कलाम गांठ बांध लीजिएगा कि तेरी ऐसी की तैसी, यानी कि जितनी बार वो लोग आपको टीस करें, जितनी बार परेशान करें, बजाय घबराने के या बजाय अपने दिल में डर पैदा करने के, आपको उनके लिए इसी तरीके से सोचना है कि तेरे जैसे भी मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मेरा तो हो चुका। वहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर से अगर पानी ऊपर हो रहा है तो वहां पर उनको जवाब देने या उनको भी टीस करने में मत हिचकिचाइएगा। कई बार ऐसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, सो इट मींस आपको कुछ एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी एज कम है तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पेरेंट्स से जरूर बात करें, जो अथॉरिटी से आगे बात करें। द सेम वे अगर आप ऑफिस में हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अथॉरिटी से बात करनी है, यानी कि सीनियर पर्सन से बात करनी है। और अगर आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर पर्सन बेकार है या इससे बात करना ऐसे ही जाया गया, सो उसके सीनियर पर्सन से जरूर बात करिएगा। कई बार हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें शिकायत करने की नहीं होती हैं, क्योंकि ये तो हर जगह होता है, लेकिन वहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे लोग ऐसे ऐसे व्यवहार करते के साथ ही ऐसे ऐसे हमारी लाइफ भी कम कर देते हैं। सो किसी की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए, उन्हें मजा चखाना जरूरी होता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर से मैं वही गाड़ी वाला एग्जाम्पल दूंगी कि सपोज मैं गाड़ी लेकर जा रही हूँ और बीच में गंदा नाला आ गया या बड़ा गड्ढा आ गया, सो मैं क्या करूंगी, गाड़ी उसमें डाल दूंगी? नो, नॉट एट ऑल। उसको इग्नोर करते हुए मैं साइड से निकल जाऊंगी या मैं कोई दूसरा रास्ता बदल लूंगी। इट मींस गंदे नाले में गाड़ी नहीं डालनी है। और यहां सीधा साधा मतलब समझिएगा कि ऐसे गंदे नीच लोगों के लिए अपनी लाइफ को खराब नहीं करना है। एंड फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही सख्त एडवाइस देने वाली हूं कि भाई ऐसे लोगों से लाइफ में आगे कभी कोई वास्ता नहीं रखना है। ऐसे लोगों को कभी भी लाइफ में कोई भी जरूरत पड़ जाए, आपको अपनी हेल्प के लिए हाथ कभी उन्हें नहीं देना है। ट्रस्ट करना तो बहुत दूर की बात। रियलिटी सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी कि ऐसे बुलिंग करने वाले लोग कई बार हमारी जान ले बैठते हैं और ऐसे ही बुरे और नीच लोग संसार को खराब करते हैं। सो यहां पर बात यह आ रही है कि जब खुद को बचाने की बात आ जाए तो किसी से भी लड़ना पड़ जाए, फ्रेंड्स बी अ फाइटर। होप आपको मेरा पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी से फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।